प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में हम आपके लिए एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन लेकर आए हैं और इस क्वेश्चन को जिस बच्चे ने सॉल्व कर लिया वो समझ लो कि वाकई में बड़ा इंटेलिजेंट है, ज्योमेट्री का मास्टर है। बच्चों, जैसे कि अब पिछले दो क्वेश्चन हमने किए उन्हीं दो क्वेश्चन के साथ ये रिलेटेड है। अब यहाँ पर बच्चों ये तीन सर्कल हैं, तीन क्वाइंस हैं, आपने वो सिलेंडर की शेप में होते हैं लेकिन आप ये मान लो कि तीन सर्कल हैं, वो तीनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। क्या करें, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। जब आप 11th क्लास में जाओगे तो वहां पर सेट्स के भी क्वेश्चन होते हैं, वहां पर भी तीन सेट्स होते हैं, तो वहां पर भी इसी तरह कुछ बनाया जाता है। तो लेकिन यहां पर कुछ कॉमन वगैरह नहीं है, सिर्फ वो बाहर से टच कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों, बाहर से टच कर रहे हैं। अब कहानी क्या है बच्चों, ये जो अंदर वाला सर्कल है उनका रेडियस हम ले लेते हैं बच्चों 10 सेंटीमीटर। पिछली बार हमने लिया था 5 सेंटीमीटर, अब की बार हमने क्या ले लिया बच्चों, 10 सेंटीमीटर। इसका सेंटर जो है बच्चों आपका, इसका सेंटर C2 मान लिया, ये आपका C3 मान लिया। ये आपके दिमाग के अंदर एक ब्लू प्रिंट बना रहना चाहिए, पहला सर्कल कौन सा है, दूसरा सर्कल कौन सा है, तीसरा सर्कल कौन सा है। तो तीनों सर्कल का जो है आपको सेंटर मालूम है। अब बच्चों तीनों सर्कल को हमने एक रस्सी से बांध दिया, क्या कर दिया, टाइटली टाई विद, किसे बांध दिया बच्चों, किसे बांध दिया बच्चों, एक रोप से बांध दिया। ठीक है बच्चों, ये देखो बच्चों रोप से बंधा हुआ है। आपने कभी कुएं से पानी निकाला होगा तो एक पुली होती है, कुछ पोर्शन जो होता है रस्सी का और रोप का जो होता है वो उस पुली के अंदर ही रहता है, कुछ पोर्शन ही बाहर होता है। तो इधर देखो बच्चों ये रस्सी बंधी हुई है, तो ये पोर्शन तो रस्सी का जो है सर्कल के साथ है, बाकी ये जो है बच्चों बाहर है। ये भी क्या बच्चों, पुली के साथ है, बाहर है, ये भी क्या बच्चों, बाहर है। बात आई समझ बच्चों। तो बच्चों मुझे लेंथ ऑफ रोप निकालनी है, क्या निकालनी है बच्चों, लेंथ ऑफ, कोई ढील नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और क्या निकालनी है बच्चों, लेंथ ऑफ रोप निकालनी है। क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ रोप। तो कैसे निकालेंगे बच्चों ये बताओ। अब क्वेश्चन बहुत बढ़िया बन गया है, अब हम देखते हैं आप में से कितने जीनियस हैं, कितने जने मुझे जवाब देते हैं इसका और कितने सब कुछ करते हैं। क्वेश्चन आपको समझ आ गया, ये बच्चों तीन सर्कल हैं C1, C2 और C3, इन सब का रेडियस बच्चों मैंने 10 ले लिया। ये तीनों अपने आप एक दूसरे के साथ अटैच हैं। अब मैंने एक रस्सी बांध दी ताकि ये तीनों जो हैं एक ही ग्रुप के अंदर रहें, एक के साथ रहें। तो आपने कुएं से जब पानी निकाला होगा तो कुछ पोर्शन रस्सी का पुली के साथ रहता है, सर्कल के अंदर रहता है, कुछ बाहर रहता है। तो यहाँ पर ये रस्सी चल रही है, ये जो बाहर खींची हुई है ये पुली के साथ है, ये रस्सी है, ये रस्सी है, ये रस्सी है। बात आ रही है बच्चों, समझ नहीं आ रही। अब इस क्वेश्चन को बच्चों हमें सॉल्व करना है। तो बच्चे कह रहे हैं सर सबसे पहला काम तो ये करो कि C1, C2, C3 को तो मिलाओ। तो लो बच्चों ये मैंने मिला दिया, ठीक है। और यहां पर मेरे ख्याल से कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ये बच्चों 60° एंगल होगा, ये आपका 60° एंगल होगा, ये आपका 60° एंगल होगा। यहां तक बात समझ आती है, क्योंकि बच्चों ये सर्कल का रेडियस 10 था, ये भी क्या था बच्चों 10 था, तो 10 + 10 = 20, ये भी क्या था बच्चों 10 था, ये भी 10 था, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की जब तीनों साइड्स इक्वल होती हैं मोहित, तो तीनों क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। तो ये आपका बच्चों इस रेडियस ऑफ द ट्रायंगल क्या आ गया बच्चों, 20 आ गया। रेडियस नहीं, साइड ऑफ अ ट्रायंगल क्या आ गया बच्चों, 20 आ गया। यहां तक बात समझ आई बच्चों। आप लोगों को मैंने टेंजेंट हुआ सर्कल भी कराया, मैंने आप लोगों को बताया है कि जो टेंजेंट होता है, ये जो एक लाइन है ये क्या बच्चों, इस सर्कल की टेंजेंट है, और ये कॉमन टेंजेंट है, ये इसकी भी क्या बच्चों, टेंजेंट है। जब सेंटर से उस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को मिलाते हैं तो वो हमेशा क्या होता है बच्चों, रेडियस होता है और 90 पे होता है। तो मैं एक काम कर देता हूं यहां पर कि इसको मैंने मिला दिया बच्चों, तो ये एंगल बच्चों आप लोगों के लिए क्या आ गया बच्चों, 90° आ गया या नहीं आ गया, ठीक है। इसी तरह मैंने इसको मिला दिया तो ये भी क्या आ गया बच्चों, 90, और एक मैं इसको मिला देता हूं तो ये भी क्या आ गया बच्चों, यहां तक बात समझ आती है नहीं आती, इसको मिला देता हूं तो ये वाला एंगल भी क्या आ गया बच्चों, 90, इसको मिला दूंगा तो ये भी क्या आ जाएगा बच्चों, 90, इसको मिला दूंगा तो ये भी क्या आ जाएगा, 90।
ये टेंजेंट हुआ सर्कल में आपने किया हुआ है, जब भी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को सेंटर से मिलाते हैं तो वो हमेशा क्या होता है बच्चों, शॉर्टेड डिस्टेंस होती है। शॉर्टेड डिस्टेंस इज नथिंग बट 90 डिग्री होती है। यहां तक सबको ये बात समझ आ गई या नहीं आ गई? पक्का कोई दिक्कत, कोई कहानी वाली कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब बच्चों हमें करना क्या है, ये वाली लेंथ आपको नजर आ रही है बच्चों कितनी होगी? बच्चों 20, वेरी गुड। ये वाली लेंथ भी कितनी होगी? और ये वाली लेंथ भी कितनी होगी? 20। जब ये एंगल 90 है, ये 90 है, तो ये आपकी क्या थी बच्चों? साइड। और ये साइड कितनी थी? 20। तो ये आपका क्या है? रिक्टेंगल है। तो ये वाली साइड भी क्या होगी बच्चों? 20। इसी तरह ये वाली भी कितनी होगी? 20 + 20। तो ये तो पक्की बात है कि जो होगी ये आपकी 60 तो होगी होगी, लेकिन 60 से क्या बच्चों? ज्यादा है। कुछ पोर्शन जो है बच्चों हमारा छुपा हुआ है, और किसके अंदर छुपा हुआ है? सर्कल्स के अंदर छुपा हुआ है। किसके अंदर छुपा हुआ है? सर्कल्स के अंदर। तो इसका मतलब क्या है बच्चों? ये लेंथ ऑफ आर्क मेरे पास आनी चाहिए। यदि एक भी मैंने लेंथ ऑफ आर्क निकाल ली, ये लेंथ ऑफ आर्क क्या बच्चों? इसको मैं L1 कह देता हूं। ये दूसरी क्या बच्चों? L2। और ये तीसरी क्या है? L3। तीनों लेंथ जो होंगी, लेंथ ऑफ आर्क क्या होंगी बच्चों? आपस में इक्वल होंगी। मुझे सिर्फ एक निकालनी है। और लेंथ ऑफ आर्क निकालने का तरीका आपके पास जो है वो आपको मालूम है, θ/360 × 2πr। तो अब मेरे पास मेन कहानी क्या रह जाती है बच्चों? मुझे किसी तरीके से क्या निकालना है? थीटा निकालना है। अब थीटा कैसे निकाला जाए? अब बच्चों ये बताओ कि ये वाला एंगल कितना होगा? 90 होगा या नहीं होगा? 90 + 90 कितना होता है? 180। 180 + 60 कितना होता है? 240। और पूरा सर्कल जो घूमता है, जब पृथ्वी सूरज की चारों तरफ घूमती है, तो टोटल कितना बनाती है? 360 डिग्री। और टोटल इसका मतलब ये वाला एंगल जो है हमारे पास कितना आ गया बच्चों? 120 डिग्री। 360 में से ये 90 सब्ट्रैक्ट कर लिया, 60 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 90 सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब 360 में से 240 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये एंगल हमारे पास कितना आ गया बच्चों? 120। तो लेंथ ऑफ आर्क कितनी आएगी बच्चों? लेंथ ऑफ आर्क L1 = 120/360 × 2π। और अब कहानी ये आ जाती है बच्चों, इसका रेडियस क्या होगा? इसका रेडियस भी क्या होगा बच्चों? 10 ही होगा, क्योंकि तीनों का उसका 10 है। तो ये 10 आ गया, तो ये हो गया 1 और ये आ गया 3। 12 × 3 = 36 होता है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और ये आ गया हमारे पास 20π/3। ये बात आई बच्चों समझ? और हमारे पास कितनी लेंथ ऑफ आर्क ले रखी थी हमने? L1 + L2 + L3। तो 20π/3 × 3, तो आंसर कितना आया बच्चों? 20π। कितना आंसर आया? 20π। और लेंथ ऑफ रोप क्या आ जाएगी बच्चों ये बताओ? लेंथ ऑफ रोप जो हमारे पास आ जाएगी 20π + 60। तो ये आपका आंसर आ गया, 20 आप कॉमन ले लो तो π + 3। और ये क्या आएगी बच्चों? सेंटीमीटर में आएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगी, सेंटीमीटर में आएगी। तो इस तरह ये लेंथ ऑफ रोप आ जाएगी, और ये क्वेश्चन आपके लिए, आपके लाइफ टाइम के लिए एक अचीवमेंट बन जाएगा यदि आपने इस क्वेश्चन को कर लिया और समझ लिया। एक बार इसको फिर दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं कैसे करना है बच्चों। ये तीन क्वाइंस थे या तीन सर्कल थे, ये इनको एक रस्सी बांध रही है, तो आपने कुछ दिमाग का एक्सपेरिमेंट भी लगाना है। ये जो रस्सी चल रही है पूरी की पूरी, ये इसके अंदर छुपी हुई है, ठीक है? और आप लोगों को मालूम है टेंजेंट हुआ सर्कल में सेंटर से जब भी उस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को मिलाते हैं वो 90 डिग्री होता है। ये भी 90 डिग्री है, ये हमारे पास 20 है बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल से, तो ये भी कितना होगा बच्चों? 20। ये भी कितना होगा? 20। ये भी कितना होगा बच्चों? 20। अब कहानी ये इसकी रह जाती है। अब ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, ये 60 है, टोटल कितना होगा? 240। ये वाला एंगल कितना होगा? 120। तो लेंथ ऑफ आर्क एक निकाली, तीनों लेंथ ऑफ आर्क क्या है बच्चों? सेम है, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। और ये तीनों रस्सियां, ये वाली जो नजर आ रही हैं, और तीन रस्सियां जो पुली के अंदर छुपी हुई हैं, वो आपकी हैं 20π, उनको ऐड कर दिया, तो ये बच्चों एक रस्सी की लेंथ आ गई जो इन तीनों सर्कल को एक जुट में और एक जैसे में बांधे रखेगी और हिलने नहीं देगी, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।